बिजनौर के धामपुर में महाराणा प्रताप चौक के पास निजी अस्पताल में उपचार के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो जाने से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना की तरह फैलने से मौके पर पहुंची पुलिस व पत्रकारों ने मामले की जानकारी ली तो परिजनों ने गर्भवती महिला की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर की लापरवाही का कारण बता दिया और पुलिस से इस मामले में कार्यवाही करने की मांग की। जबकि गंगा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पुनीत चौहान का कहना है कि मृतका काला पीलिया से ग्रसित थी, इसका 2 दिन से उपचार चल रहा था। हमने भरपूर कोशिश की लेकिन वह बच नहीं सकी। आपका शुक्रिया। कहाँ के रहने वाले हैं? आदकपुर। मृतक कौन है आपकी? बाबू। अच्छा, ये कौन से हॉस्पिटल का मामला है? गंगा मल्टीमीडिया। क्या मामला है ये पूरा? सर हमने भर्ती करी 20 की रात को नाइट में, सही कहते रहे। अब जब पेमेंट लेकर ले कह रहे मरीज को, हमारे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया, मरीज हमारा अंदर ही खत्म हो चुका। आपसे कहते रहे सही है सही है सही है, 4-3 दिन से रखे हुए हैं, कह रहे हैं सही है सही है सही है, मरीज कुछ आराम नहीं, अब मरीज अंदर ही खत्म हो गया सर, हमें पेमेंट में लगा लिया, ये झक कर उसमें बैठा कर बाहर निकाल लिया, हमने इधर ही रोक लिया। पेशेंट के गुर्दे में गांठ थी और पेशेंट के पेट में पानी भी था, जो इन्होंने हमें हिस्ट्री बताई थी और सारी रिपोर्टों के आधार पर मौजूद। उनका आरोप यह है परिजनों का कि आप सही बताए जा रहे थे और पैसे लेते जा रहे थे और आज उसकी मौत हो गई, आपने उसे बाहर निकाल के डाल दिया। इनसे कोई भी हमने किसी प्रकार की डिमांड कोई नहीं की। दूसरी चीज़, इनको ये भी बोल दिया था, सुबह से ये कह रहे थे कि पेशेंट की हालत जो है थोड़ी सही नहीं है, आप इनको किसी हायर सेंटर में ले जाइएगा। इन्होंने एम्बुलेंस भी बुलवा ली थी, एम्बुलेंस पेशेंट शिफ्ट भी करवा दिया था, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा था, हमने ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीजन की एम्बुलेंस बुलवा के एम्बुलेंस में शिफ्ट करा दिया था, उसके बाद इन्होंने पेशेंट को एम्बुलेंस से निकाला।